At time, is time मतलब मैथड जो बेसिकली कॉल होता है जो एग्जीक्यूशन का होता है एट दी रन टाइम पे ठीक है ना जैसे कंपाइल टाइम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था तो उसमें मैथड को कॉल करते हैं कंपाइल टाइम पे ठीक तो है तो वहां कंपाइलर का रोल रहता है तो यहाँ पे कंपाइलर का कोई रोल नहीं यहाँ पे जेबीएम का रोल है तो जेबीएम क्या करेगा रन टाइम पे कॉल करेगा ठीक है ना मैंने यहाँ नीचे एक लाइन लिखा इन रन टाइम पॉलिमोफिजम द मैथड इज एग्जीक्यूटेड एट दी रन टाइम क्लियर है पॉइंट डन चलिए अब देखो अब इस रन टाइम पॉलिमोफिजम को आप अचीव कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ मैथड ओवर राइडिंग ठीक है मैथड ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मेरे पास सपोज करो दो क्लास है क्लास ए क्लास बी और जो बी क्लास है उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी पेरेंट क्लास के अंदर सेम है पेरेंट क्लास के अंदर ठीक है लेकिन इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास का अलग है पेरेंट का अलग है लेकिन मेथड नेम सेम है तो उस टाइप्स के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग राइडिंग कॉन्सेप्ट ठीक है concept, ना मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं ठीक है थीके? देखिए मैंने लिखा भी है प्रोवाइड ओवर राइडिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज़ ऑलरेडी डिफाइन इट्स सुपर क्लास क्लियर पॉइंट अ सब क्लास प्रोवाइड्स एन इंप्लीमेंटेशन फॉर अ मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन इट्स सुपर क्लास इट इज कॉल्ड मेथड ओवर राइडिंग क्लियर अइंट मतलब क्या हुआ इसका कि जो चाइल्ड क्लास के अंदर हमने मेथड डिक्लेयर किया वो already parent class method है वो ऑलरेडी पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है सेम मेथड नेम सेम सिग्नेचर रिटर्न टाइप पैरामीटर सेम एवरीथिंग सेम बट इम्प्लीमेंटेशन चेंज है चाइल्ड क्लास के अंदर तो उस मेथड को उस टाइप्स के मेथड को हम लोग मैथड ओवर राइडिंग कहते हैं क्लियर पॉइंट चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब एग्जाम्पल भी हम लोग बात करेंगे तो देखो रूल्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है देखो रूल्स फॉर मैथड ओवर फर्स्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया देखो मेथड नेम बी सेम फॉर बोथ एंड चाइल्ड क्लासेस दोनों क्लास के अंदर जो मेथड हम डिक्लेयर करेंगे सेम होनी चाहिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट एक्सेस मॉडिफायर फॉर चाइल्ड मेथड मस्ट नॉट रिस्ट्रिक्टिव पैरेंट क्लास मेथड ठीक है एंड थर्ड है प्राइवेट कोमा फाइनल स्टैटिक मेथड्स कैन नॉट बीवर रिटर्न

और जो इसका मेथड है देखो रिटर्न टाइप मेथड नेम एंड देन बॉडी इसका ये मेथड सेम मेथड आपके चाइल्ड क्लास जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है नेक्स्ट क्लास हमने क्रिएट किया सब चाइल्ड एक्सटेंड सुपर क्लास ठीक है नेम और ये जो मेथड है आपका चाइल्ड क्लास का और ये मेथड दोनों सेम होनी चाहिए बट चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हो ठीक है ना क्लियर तो इस टाइप्स के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं मैथड ओवर राइटिंग ठीक है चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ठीक है हम यहाँ पे क्या करते हैं एक यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं डेमो डॉट जावा के नेम से चलिए कोई बात नहीं हम रिप्लेस कर देते हैं फाइल को हमने क्लास बनाया क्लास का नेम दे दिया हमने पेरेंट ठीक है और इसके अंदर हमने मैथड डिक्लेयर किया पेरेंट का सपोज करो पेरेंट का प्रॉपर्टीज मतलब इसका हम कोई एक मैथड ले लेते हैं मेथड का नेम ले लिया मेथड ठीक है मैरी मेथड ले लेते हैं ठीक है अब ये मैरी मेथड क्या होता है देखो मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं देखो होता क्या है कि पेरेंट चाइल्ड के लिए सब कुछ करते हैं है ना पेरेंट सब सब कुछ करते हैं आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं आप बाहर में जाते हो आउट ऑफ स्टेट जाते हो वहां पे अच्छे एजुकेशन लेते हो देन सेटल होते हो देन पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि आप शादी करवाते हैं ना तो पेरेंट्स जो सोच के रखते हैं कि हम आपकी शादी करवा देंगे अब आप सेटल हो गए लेकिन आप ऑलरेडी कोई सेलेक्ट कर लेते हो बाहर में जब अपने कलीग्स कोई सेलेक्ट कर लेते हो कि मैं इससे शादी करने वाला हूं ठीक है तो ये क्या हो गया भाई तो जो पेरेंट्स के अंदर के मेथड था जो पेरेंट्स के अंदर जो बेसिकली पेरेंट क्लास के अंदर जो अः मेरी मेथड था वो आपने अपनी क्लास के अंदर इंप्लीमेंटेशन चेंज कर दिया है ना मतलब पेरेंट्स के जो सिलेक्टेड गर्ल्स थे जो गर्ल है कि कोई पेरेंट आपके पेरेंट सेलेक्ट किए आपके लिए कोई लड़की सेलेक्ट किए और वो लड़की आप क्या किए उससे नहीं शादी करके आप अपने पसंद से शादी कर लिए मैरी मेथड तो सेम है लेकिन इंप्लीमेंटेशन आपका हो गया इस टाइप के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं मेथड ओवर राइडिंग ठीक है क्लियर है पॉइंट चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं एग्जाम्पल बात करते हैं यहाँ पे मैंने एक मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे दे देता हूं आई हैव पेरेंट्स क्लास जो पेरेंट है ना आपके पैरेंट आपके पेरेंट ने बेसिकली लड़की सेलेक्ट है आपके लिए ठीक है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई हैव सेलेक्टेड अगर्ड ठीक है हो इज वेल well ऐसा कुछ दे दिया ठीक well है वेल क्वालिफाइड है ठीक है डन अब मैंने यहां पे चाइल्ड क्लास बनाया क्लास सब चाइल्ड एक्सेंस पेरेंट अब यहां पे सेम मेथड देखो ये मेथड हम कॉपी करते हैं एज इट इज सेम बट इसकी इंप्लीमेंटेशन अलग दे देते हैं देखो यहाँ पे आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड यहाँ पे मैंने अपना इम्प्लीमेंटेशन दे दिया आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड अगर्ड हुईड एंड कुछ भी दे सकते हो वेल सेटल क्वालिफाइड समथिंग ठीक है तो देखो सेम ये मैथड आपका जो चाइल्ड में डिक्लियर किए हो ये ऑलरेडी पेरेंट में होना चाहिए सेम मैथड नेम होनी चाहिए बट इंप्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के अंदर आप अलग दे सकते हो ठीक है तो इसको हम लोग बेल बोलते हैं मैथड ओवर राइट चलिए मेन मेथड हम क्रिएट कर लेते हैं मेन मेथड right. अब यहां पे देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं हम लोग सब चाइल्ड सी एच इक्वल टू न्यू सब चाइल्ड चलिए अब देखो यहां पे अब मेथड को कॉल करते हैं हम लोग मैरी मेथड है मेथड का नेम चलिए अब देखना आपका चाइल्ड क्लास की इंप्लीमेंटेशन कॉल होगा ठीक है चलिए चलाते हैं इसको देखते हैं जावा नाम का फोल्डर है ओपन कर लीजिए सी एम डी एंड देन जावा सी फाइल का नेम है डेमो डॉट जावा कंपाइल्स फाइन एंड देन यहाँ पे दे दिया क्लास का नेम है आपका सब चाइल्ड ठीक है देखो यहाँ पे क्या आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन आई हैव ऑल्सो सेलेक्टेड अगर ठीक है आप चाइल्ड क्लास का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जीक्यूट कर रहा है ठीक है अगर यहाँ पे जो हम यहाँ पे सपोज करो मैंने दे दिया मेरी वन और यहाँ पे मैंने मेरी वन दे दिया अब मैं फिर से चलाता हूं ये आपका देखो यहाँ पे ये आपका देखो यहाँ पे आई होव सेलेक्टेड मतलब ये नॉर्मल मेथड हो गया है ना ये आपका क्या हो गया नॉर्मल मेथड हो गया ये आपका ओवरराइडिंग मेथड नहीं हुआ अगर जहां मैंने यहाँ पे पेरेंट वन कर दिया ये अलग हम ये पेरेंट क्लास के अंदर मेथड हमने लिख दिया मैरी वन अब मैं चलाता हूं तो वो मेथड अलग हो गया ठीक है देखो ये आपका ये देखो अब ये मैरी वन मतलब इस वाले मेथड को कॉल कर रहा है क्योंकि वन को कॉल किया था हमने ठीक है इसको हटा दो क्योंकि ये दोनों मेथड सेम होनी चाहिए ये दोनों मेथड सेम होनी चाहिए तभी तो वो मेथड ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा क्लियर पॉइंट आई होप क्लियर है तो ये है आपका रन टाइम पॉलिंग फेस क्लियर पॉइंट डन चलिए अगर जहां सपोज करो मैं यहां पे सुपर क्लास लिख देता हूं सुपर क्लास का नेम दैट इज पैरेंट अब यहाँ पे मैं कॉल करता हूं यहाँ पे एम वन का देखो यहाँ पे एम वन और यहाँ पे एम वन दे दिया मैंने अब इस तरीके से कॉल करता हूं तो लेट मी चेक क्या आता है देखो एरर आएगा देखो यहाँ पे क्या आ रहा है एरर आ रहा है क्योंकि जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है वो चाइल्ड क्लास के अंदर सेम नहीं है अगर जब मैं यहाँ पे सेम लिख देता हूं इस केस में क्या होगा देखो दोनों मैंने सेम लिखा है अब देखो यहाँ पे कंपाइल्स फाइन अब यहाँ पे देखो चाइल्ड क्लास का चला ये देखो समझ गया ना तो यहाँ पे बेसिकली जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है वो सेम एज इट इज होनी चाहिए आपका चाइल्ड क्लास में तभी ये मेथड ओवर एडिंग कॉन्सेप्ट कहलाएगा अदरवाइज नहीं अगर जहां आपका मेथड यहाँ पे कुछ और है यहां पे कुछ और है देन वी विल गेट अ कंपाइल टाइम एरर देखो कंपाइल टाइम एरर आया तो आपका ये देखो क्लियर है पॉइंट आई होप क्लियर है ठीक है ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करोगे तभी आपको लॉजिक क्लियर होगा ठीक है मेथड दोनों क्लास में सेम होनी चाहिए ये पॉइंट याद रखना अगर जहां पेरेंट क्लास में कुछ और मेथड यहाँ कुछ और मेथड दिए हैं तब आपका एरर आएगा ठीक है अभी जस्ट हमने किया था तो ये है मेथड ओवर राइडिंग कॉन्सेप्ट ठीक है क्लियर है पॉइंट तो जेबीएम रन टाइम पे कॉल करता है कब कॉल करता है रन टाइम पे तो ये बेसिकली रन टाइम पॉलीमर कहलाता है ठीक है तो आप नोट कर लो इसको आज हमने डिस्कस किया रन टाइम पॉलिमर फिज ठीक है इसको नोट कर लो नोट करके प्रैक्टिस करो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक like करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो यार ठीक है थैंक यू बाय बाय